हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्लेम्स कोचिंग देहरादून के ऑनलाइन शिक्षा मंच पर। आज देखो बच्चे, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि मैम की क्लास नहीं हो रही है, क्लास नहीं हो रही है। अच्छा, गुड इवनिंग, प्रणाम प्रणाम आपको भी। जल्दी से लाइव आ जाएं भाई, तब तक के लिए हम थोड़ा सा जो हमारे ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तब तक आप जल्दी से लाइव आ जाएं, जो लाइव हैं वो वीडियो को शेयर ज़रूर करें भाई, तभी बाकी बच्चों को भी पता चलेगा कि क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है ना। लाइव आ जाएं सारे के सारे। अच्छा, तो आपका किस से है? नर्सिंग असिस्टेंट। अच्छा हाँ, नर्सिंग में तो बायोलॉजी आएगा ही, ठीक है ना। नर्सिंग में तो आपका बायोलॉजी कंफर्म है, आएगा। अभी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ये वाली क्लास है बच्चे, इसमें क्या है आपका, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन होंगे, वो यहाँ पर भी होगी। प्लस आप अगर एप्लीकेशन आपने ज्वाइन करा है फ्लेम्स का, तो वहाँ पर आप घर बैठे भी देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, वो आपकी चलती है 1 से 2, 2 से 3, 1 या 2 बजे से चलती है एक बार, क्योंकि मेरी लास्ट क्लास होती है ना, तो मेरी बाद में है, जो सबसे पहले क्लास होती है आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग आना है कि नहीं है। तो आप एक बार बाहर पता करेंगे इस क्लास के बाद। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो अभी आप अपना एनालिसिस करेंगे कि मुझे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कितने, क्योंकि आपके पास बायोलॉजी आना ही आना है कि नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, गुड इवनिंग, क्या कह रहे हैं मैम, फ्राइडे को भी है क्लास। बच्चे क्लास देखो, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे मुझे पहले से भी, और सर को भी पूछ रहे थे कि मैम की क्लास नहीं हो रही है। वो रीज़न यही था बच्चे, देखो क्योंकि हमने अभी आपका जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, तो उसमें एक दिन आपका पेपर, हम जो आपका एप्लीकेशन में पढ़ता है, एक दिन पेपर पढ़ता है, अगले दिन उसका सोल्यूशन दिया जाता है। जैसे हमने यूट्यूब पर आपको 2 पेपर के सोल्यूशन दिए हैं, ठीक है ना। तो जिस दिन हमारा सोल्यूशन होता है बच्चे, उस दिन हम यूट्यूब पर नहीं आ पाते, क्योंकि उस दिन इस टाइम पे हमें एप्लीकेशन में आपका क्या होता है, पेपर सॉल्व करवाना होता है, ठीक है ना। मतलब मुझे, मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ मैम, आपका पढ़ाने का नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सामने जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं वायु जी, उनको भी कुछ समझाना होता है ना, तो ऐसा नहीं है, हर किसी की क्वेरीज को ध्यान में रखा जाता है। पढ़ाने का मन अगर मेरा नहीं होता तो शायद मैं अपने दिन में भी नहीं आती। एक्चुअली मेरा तो खुद पढ़ाने का इतना मन है कि मैं क्लास स्किप नहीं करना चाहती हूँ कभी भी नहीं। लेकिन क्या है कि जो आपका स्टूडियो है वो फ्री भी तो होना चाहिए, है कि नहीं। अगर मुझे इस टाइम पे यहाँ पे ये क्लास देनी, इसके बाद भी क्लास है, इससे पहले भी क्लास है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, आपकी क्लास कन्फर्म होगी। और अभी मैं ये भी बात कर रही हूँ सर से कि आपकी यूट्यूब पर कंटिन्यू रहे, ठीक है ना। तो मैं एक आपको पहले बता देती हूँ, जो बच्चे ये चाहते हैं कि YouTube पर बायोलॉजी की, पूनम मैम आपको पता है मैं ही हूँ, कि क्लास हो डेली, तो आप ऑफलाइन कमेंट, या फिर आप जो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर ऊपर लिखा है इस पर आप पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं कि हमें सर क्लास डेली चाहिए YouTube पे। अगर आपके यहाँ पर मैसेज ज़्यादा होंगे, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे इस टाइप से बोलने वाले कि सर डेली क्लास होगी, तो डेफिनेटली आपकी क्लास डेली ही होगी, ठीक है। तो देखें, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको पता है टाइम भी बहुत लिमिटेड है एग्जाम के लिए भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पर है, एस्फोइटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट बिलोंगिंग्स टू फैमिली, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों है ना, तो ये आपके पास हिंदी भी है इंग्लिश भी, ठीक है। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है। मैंने कहा था बच्चे आपके पास फैमिलीज के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप बताएंगे कि जो आप हींग है, जो आप खाने में यूज करते हैं, ठीक है ना, दाल वगैरह में डालते हैं, तो वो किस, आपका किस फैमिली से बिलोंग करता है। हींग जो प्लांट है, जो पौधा है, उससे निकाला जाता है, तो आप बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन सामने हैं आपके, जितने लाइव बैठे हैं एक बार लाइक शेयर जरूर करेंगे, शेयर तो जरूर करेंगे। और आपको सेशन पसंद आ रहा है, क्योंकि आज क्वेश्चन यूनिक है भाई, क्वेश्चन कोई भी रिपीटेड नहीं है। जो बच्चे पिछली क्लास देख रहे हैं उनके लिए भी कोई रिवीजन अभी नहीं है, आज के नए क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो आंसर करेंगे साथ साथ कि एस्फोइटिडा इज ऑब्टेन फ्रॉम हींग, जिस पौधे से प्राप्त होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। जल्दी से आंसर करें, अभी तक मुझे किसी का आंसर नहीं आ रहा है। हाँ, मुझ पे भरोसा है ना, लेकिन क्या है वायु जी, मैं भरोसा तभी आपका सुनिश्चित कर सकती हूँ कि हाँ आपका भरोसा बिल्कुल ठीक है, कि मुझे भी टाइमिंग मिलना चाहिए यहाँ पर कि इस टाइम पे आप क्लास लें, ठीक है ना। तो क्योंकि अगर मेरी घर से क्लास होती तो शायद आपकी एक दिन भी क्लास मिस नहीं होती, बट यहाँ से क्लास है तो आप समझ सकते हैं।
बताएंगे जल्दी से, आंसर भी करेंगे। रीना सजवान आंसर आया है डी, आप भी चेक कर लीजिएगा अपना कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। और आप नोट जरूर करें क्वेश्चन, ठीक है ना, नोट जरूर करें। फर्स्ट का डी आंसर आ रहा है, डी है अंबली फेरी। वेरी गुड भाई, जिन भी बच्चों ने आपका आंसर अंबली फेरी करा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर किसी बच्चे को नहीं आते हैं, ठीक है ना। अंबली फेरी इज द राइट आंसर। हींग जो होता है बच्चे, वो अंबली फेरी कुल के पौधे से प्राप्त किया जाता है, और इसको ही आपका एक नाम और दिया जाता है। कई बार क्या होता है, अंबली फेरी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपका एपिएसी फैमिली, क्या नाम दिया है, एपीएसी, हिंदी वाले लिखेंगे इस तरीके से, एपीएसी फैमिली, ठीक है। तो एपीएसी कुल का पौधा है बच्चे हींग, और हींग उस पौधे से प्राप्त किया जाता है। दूसरी बात, इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे आपका एक वैरायटी है फेरुला, फेरुला एस फॉयटिडा, फेरुला एस फॉयटिडा, ठीक है। ये क्या है, आपका एक स्पीसीज है, एक जाति है किसकी, हींग की। इसी तरीके से एक होता है फेरुला फॉयटिडा। चीजों को समझना भाई, देखो हर बार ऐसा नहीं है कि जो लैंग्वेज मैंने लिख के दी है एज इट इज एग्जाम में आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, इससे रिलेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन ना आके, अगर मैंने ऑप्शन जो लिखे हैं वो आ जाए, उनसे क्वेश्चन बन जाए, या अदर इन्फॉर्मेशन लिखी वहां से क्वेश्चन बन जाए। तो आपको क्या करना है, आपको जो मैं अदर इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ प्लस जो आपके ऑप्शन है, जो जो जिस ऑप्शन में बताया जा रहा है उसको नोट जरूर करेंगे, ठीक है। तो एपीएससी फैमिली का मेंबर है बच्चे हींग का पौधा। इसमें क्या होता है कि जो ये जितनी भी वेराइटी आपकी हींग की, ये क्या है, जाति है, ठीक है, वेराइटीज है। ये दो पौधे जैसे आपका फेरुला एस्फोइटिडा और फेरुला फॉइटिडा, ठीक है। इनसे क्या होता है बच्चे, इन पौधों से क्या होता है, लेटेक्स निकलता है। आपको मैंने पहले भी बताया कि लेटेक्स क्या होता है, जैसे आपका व्हाइट सबस्टांस होता है, जैसे आपका रबर के पौधे से भी निकाला जाता है, उसको सुखाकर बच्चे हींग बनाया जाता है। क्या निकाला जाता है, इससे आपका लेटेक्स निकाला जाता है, और लेटेक्स को सुखाकर, ठीक है ना, लेटेक्स को सुखाकर क्या बनाया जाता है, हींग बनाया जाता है। अब पाउडरी फॉर्म में होता है ना, आपको पता है कि पाउडर के फॉर्म में होता है, इसलिए आपका यहां से क्वेश्चन ये बनेगा कि किस कुल का पौधा है, तो अंबली फेरी बोलेंगे या फिर आपका एपीएसी फैमिली बोलेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और क्या होता है बच्चे, जो आपका ये फैमिली अंबली फेरी, धनिया आपने देखा है घर में, धनिया जो होता है, धनिया भी इसी कुल का पौधा है, अंबली फेरी कुल का, ठीक है। तो कई बार ऑप्शन में अगर आपके पास धनिया आ गया कि कोरिएंडर जो होता है आपका, जिसको आपका कोरिएंड्रम, आपका सटाइवम उसका वैज्ञानिक नाम है, तो धनिया किस कुल का पौधा है, अगर ऑप्शन, अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाए तो आप याद रखेंगे कि आपका वो भी अंबली फेरी कुल का ही पौधा है, ठीक है। मैम क्लास 24 में आधे क्वेश्चन हुए थे, इसमें ऐड है वायु जी, टेंशन मत लीजिएगा, इसमें ऐड है, वही नए क्वेश्चन है जो उस दिन थे, ठीक है ना, जो नहीं हो पाए थे। देखो नियोसिया प्लांट इज अ, जो नियोसिया प्लांट होता है वो किस टाइप का प्लांट है, सेप्रोफाइट, सिम्बायोंट, इंसेक्टिवोरस प्लांट, या नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर करेंगे भाई सारे के सारे, और शेयर नहीं कर रहे हो, देखो अगर शेयर करते ना आप जितने यहाँ पे लाइव बैठे हैं, तो आपका आपके डबल हो जाते हैं अभी तक। वायु शेयर कर दिया, प्रवीण राणा शेयर कर दिया आपने, पगली, सारे बच्चे शेयर करेंगे जितने लाइव बैठे हैं अभी, ठीक है ना, ठीक है। जल्दी से आप शेयर करें, और आप साथ साथ अपने आंसर को भी भाई जल्दी से फोकस करें कि हमारा आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है। तो बताएंगे आप, वेरी गुड इवनिंग प्रवीण राणा जी, बताएंगे नियोशिया प्लांट है वो किस टाइप का प्लांट है, मृतोपजीवी है, सहजीवी है, कीट भक्षी है, या इनमें से कोई नहीं है, बताएंगे जल्दी से। आंसर जल्दी नहीं आ रहे हैं आपके, क्या बात, ठीक है, आंसर करेंगे। ये होता है बच्चे आपका सेप्रोफाइट, क्या होता है, मृतोपजीवी। नियोसिया प्लांट जो होता है वो एक आपका सेप्रोफिटिक प्लांट है, सेप्रोफाइट्स है, आपको पता है कि, ओके मैम, हाँ जी शेयर करना है, ठीक है ना, शेयर करना है तो आपके डबल हो जाएंगे, तभी मुझे लगेगा कि आपने शेयर करा है, ठीक है। देखो जो नियोसिया प्लांट होता है बच्चे, सेप्रोफाइट का मतलब क्या समझते हैं आप, मृतोपजीवी किसे कहते हैं, पता है आपको मृतोपजीवी क्या होते हैं, जो आपका डेड एंड डिके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उन पर डिपेंड होते हैं। जैसे आपने देखा है कि जनरली क्या होता है, जो प्लांट होते हैं, जो पादप होते हैं, वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं आपका, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि खुद से खाना बनाने वाले होते हैं कि नहीं होते, है ना, सारे के सारे क्या होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। लेकिन जो ये नियोसिया प्लांट है ये आपका सेप्रोफाइट है, यानी कि डेड एंड डिके मटेरियल जो होता है उनको क्या करता है, इनटेक करता है। तो ये आप याद रखेंगे कि सेप्रो जो नियोसिया होता है वो आपका सेप्रोफिटिक प्लांट है। और इसमें क्या होता है बच्चे, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जनरली जो पादप होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है कि नहीं होता, तभी तो वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंसी में अपना
खाना बनाते हैं, लेकिन इसमें आपका एब्सेंट होगा क्लोरोफिल, तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि क्लोरोफिल एब्सेंट, ठीक है, जो आपका हरित लवक होता है जिसको हिंदी में हरित लवक बोला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। पता था सबको, किसको करें शेयर, अरे कर दो रिश्तेदारों को ही कर दो जो लाइव बैठे अभी, जिसका कोई ना कोई तो होगा पढ़ने वाला, दोस्त होंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखो आज जो क्लास छोड़ रहा होगा ना, वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आज, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत यूनिक है भाई, मैं पहले भी बता रही हूँ कि आज के क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, और साथ साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। बर्ड नेस्ट ऑर्किड भी बोला जाता है, इसका जो कॉमन नेम है बच्चे याद रखना कि इसको बोला जाता है बर्ड नेस्ट ऑर्किड, ये इसका क्या है, एक उपनाम है, एक नाम दिया गया है इसको, कि आपको पूछा जा सकता है कि ये कोई चार प्लांट के नाम दे देगा, पूछ लेगा कि बर्ड नेस्ट ऑर्किड ऑल्सो नोन एज, किसका उपनाम है बर्ड नेस्ट ऑर्किड, तो आपके पास आंसर क्या होगा, नियोसिया प्लांट, ठीक है। तो नियोसिया को आपका बर्ड नेस्ट ऑर्किड भी बोला जाता है, इस बात को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। सेप्रोफिटिक का मतलब पता है, सेप्रोफाइट क्या होते हैं, जो आपका डेड एंड डिके मटेरियल पर क्या करते हैं, अपना डिपेंड रहते हैं, ये है बच्चे आपका नियोशिया प्लांट। कौन सा प्लांट है आपका, दिख रहा है आपको सामने नियोशिया प्लांट, क्लियरली शो हो रहा है ना आपको, नियोशिया प्लांट जो होता है बच्चे, देखो आपके पास क्या था, नियोशिया प्लांट, ठीक है, नियोशिया प्लांट है ये, देखो आपको कुछ ऐसे लग रहे हैं बंद बंद, जैसे घोंसला बना रखा हो इनके अंदर, लग रहा है ना ऐसे, यहाँ देख के लग रहा है ना कि बंद बंद से, जैसे जनरली आपके प्लांट ऐसे भी होते हैं जैसे नीचे दिख रहे हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जैसे यहाँ किसी ने घोंसला बना रखा हो अंदर अंदर, तो इसीलिए उसको बर्ड नेस्ट ऑर्किड बोला जाता है, ठीक है। पक्षियों का रहने का घोंसला के समान आपका क्या है, इसका संरचना है, क्लियर हुआ। मैम मैथ के लिए भी बताएंगे जी आपको, बिल्कुल बताएंगे, आप फिलहाल इस पर फोकस करेंगे कि आपको जो सामने बॉटनी का जो पार्ट अभी चल रहा है इसको जरूर फोकस करें, क्योंकि देखो छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो आपका पीसीएस से लेकर आपके जितने भी आपका नर्सिंग हो गया, एनवायरमेंट सुपरवाइजर का, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और फिर हमें याद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो डायग्राम लाने का मकसद पता है ना क्या है, कि आप भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट फैमिली अमंग द फॉलोइंग इज, निम्न में से कौन सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ी फैमिली, जब हम पढ़ते हैं फैमिली का स्टडी करते हैं, जैसे आपने अम्बली फेरी देखी, एपीएससी उसी का नाम है, ग्रैमिनी आपका, ठीक है ना, इस तरीके से आपका बहुत सारी फैमिली होती है, रूबी रूबीएसी आपका, रोजेसी फैमिली, उन सभी में से सबसे बड़ी फैमिली कौन सी है, ऑप्शन है लिलीएसी, सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी या एस्ट्रीएसी, आंसर करेंगे सारे बच्चे वायु थर्ड का बी, सोलेनेसी, अच्छा ठीक है, और बच्चे करेंगे, और बच्चे भी करेंगे भाई आंसर, कि आपका लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है, सबसे बड़ी फैमिली, सौरभ टमटा डी एस्ट्रीएसी, वेरी गुड, और आंसर करेंगे, सौरभ का आ गया, हेमचंद्रा ए, ए तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी इज द राइट आंसर, एस्ट्रीएसी आपका क्या है, राइट आंसर है, एस्ट्रीएसी जो कुल होता है बच्चे वो सबसे बड़ा क्या होता है आपका, फैमिली है, सबसे बड़ा कुल है एस्ट्रीएसी, ठीक है ना। एस्ट्रीएसी को आपका एक और नाम दिया जाता है कंपोजिटी, इसी का दूसरा नाम है कंपोजिटी, देखो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इन दोनों में से भी कोई एक नाम दे सकता है, सपोज आपने बोला कि मैम ने हमें ये पढ़ाया था, अगर मैं इसको ना बताती आपको तो आपको एस्ट्रीएसी ध्यान रहता, लेकिन अगर ये ऑप्शन ना देके वो कंपोजिटी लिख देता, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना हिंदी वालों को कंपोजिटी, ठीक है ना, तो कंपोजिटी अगर ऑप्शन दे देगा तो बच्चे एस्ट्रीएसी और कंपोजिटी एक ही बात है, ठीक है, कंपोजिटी और एस्ट्रीएसी आपका लार्जेस्ट फैमिली है, सारी फैमिली में से सबसे बड़ा, जैसे आपने पढ़ा होगा फाइलम में सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा है, वैसे आपका जो फैमिली हम स्टडी करते हैं बच्चे, तो फैमिली में सबसे बड़ी फैमिली हो जाएगी एस्ट्रीएसी, ठीक है। अब मैं एक बात पूछती हूँ, आप लोग जितने लाइव बैठे हैं, आपको पता है आप उत्तराखंड बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और आपको अच्छे से पढ़ाया भी जाता है, तो आप मुझे ये बताएंगे कि जो आपका उत्तराखंड का राज्य पुष्प है क्या है, कौन सा कमल, ब्रह्म कमल है ना, तो उसका नाम आपका, एक तो साइंटिफिक नेम मुझे बताएंगे, सारे लाइव बैठे बच्चे मुझे बताएंगे कि ब्रह्म कमल का साइंटिफिक नेम क्या है और ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, हो सकता है कभी आपके पास पूछ लिया जाए कि जो आपका राज्य, जो आपका पुष्प है ब्रह्म कमल, उसका आपका किस फैमिली से बिलोंग करता है, और उसका वैज्ञानिक नाम तो बहुत बार आ भी चुका है, ठीक है ना। हाँ जी, वेरी गुड सरिता जी, लेकिन आप बताएंगे वो किस फैमिली का आपका मेंबर है, ठीक है, यानी किस कुल का पौधा है आपका ब्रह्म कमल।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, अ फिलोक्लैड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, जो आपका फिलोक्लैड होता है वो किसका रूपांतरण है? ऑप्शन है रूट का, स्टेम का, लीफ का या फ्लावर्स का, बताएंगे। फिलोक्लैड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, ब्रह्म कमल साइंटिफिक पता नहीं। वायु जी कैसी बात कर दी आपने, आप उत्तराखंड की क्लास पढ़ते हैं डेली, ये मत बोलना भाई। सो सोरिया अब वेलेटा, सरिता जी वेरी गुड भाई। और कोई, और किसी को कुछ याद आ रहा हो, कोई रोडोडेंड्रॉन भी सोच रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे आपने साइंटिफिक नेम उत्तराखंड में पढ़े होंगे, ठीक है ना। मॉस्कस का एसोगास्टर, आपका रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, सो सोरिया अब वेलेटा, है ना। और कुछ पढ़ा है, लोफोफोरस इम्पेजिनस, सब पढ़े हैं ना आपने, बताएंगे। वेरी गुड भाई, तो सही आंसर है आपका नीलम का, मनीषा का, प्रवीण राणा, वेरी गुड, सरिता वेरी गुड, रोजेसी क्या आ रहा है, रीना जी लिख रहे हैं रोजेसी, चलो ये, चलो लीफ का, फोर्थ का डी आंसर आ रहा है वायु जी का। वायु जी तैयारी वीक चल रही है, क्या बात, और ज्यादा मेहनत करें, ठीक है ना। थोड़ा सा आपके क्वेश्चन मुझे लग रहा है कुछ डाउट हो रहा है। देखो जो फिलोक्लैड होता है बच्चे, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है, किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन, तने का रूपांतरित रूप होता है बच्चे आपका फिलोक्लैड, तो आंसर हो जाएगा स्टेम। फिलोक्लैड क्या होता है, इट इज अ फ्लैसी ग्रीन स्टेम, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका, देखो इसमें देखेंगे तो समझ आएगा। देखो आपके पास ये क्या है, ऑफेंसिया, आपने नागफनी का पौधा देखा अपने घरों में, छतों में लगा हुआ देखा होगा, छत में भी लगाया जाता है, आपको शो हो रहा है ऑनलाइन वालों को, ठीक है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। एस्ट्रिएशी फैमिली किसका आंसर है, नीलम, वेरी गुड भाई। देखिए जो आपका ये ऑफेंसिया है, जो नागफनी होता है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है, ये क्या है बताएं, क्या है ये फिलोक्लैड है, इसको आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाम क्या आपका, अभिषेक, हाँ, इस वाले पार्ट को बच्चे आपका क्या बोला जाएगा, फिलोक्लैट, ये ग्रीन वाला पार्ट है जो देखा है ना आपने, उसमें इस तरीके से ये होगा और ऐसे ऐसे स्पिक्यूल्स लगे होते हैं, ठीक है, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको बोला जाता है आपका फिलोक्लैट, ठीक है। वास्तव में ये क्या है, तना है, तने का ही रूपांतरित रूप है आपका फिलोक्लैट, ठीक है। ये क्या करता है, जो स्टेम ये वाला होता है, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, स्टेम है अपने आप में, तना है, ठीक है। और यहां पर ऐसे जो प्लांट होते हैं बच्चे, ऐसे प्लांट में जो स्टेम होता है वही आपका फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा होता है। आपको पता है जनरली फोटोसिंथेसिस काम किसका है, लीव्स का होता है, पत्तियों का होता है, लेकिन आपके जो लीव्स हैं वो आपके इस स्पिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गई हैं, तो जो स्टेम है, जो आपका तना है बच्चे, वही आपका यहाँ पर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। यानी कि ग्रीन आपका पार्ट जो है वो आपका फिलोक्लैड ही फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लियर हुआ, ठीक है। कैसा है, ग्रीन है, फ्लैसी है, मतलब मांसल टाइप से, सॉफ्ट नेचर का है, और वो आप जनरली आपका स्टेम कैसा होता है, थोड़ा हार्ड होता है ना, और ब्राउनिस कलर का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो फिलोक्लैड है वो ऑफेंसिया यानी कि नागफनी का जो पौधा होता है, तो आपके पास सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि फिलोक्लैड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, फिलोक्लैड किसका रूपांतरित रूप है, आंसर क्या हो जाएगा, स्टेम, तना, क्लियर हुआ। कैक्टस में पाया जाता है, वेरी गुड, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अंजलि नौटिया लेट हो गए बच्चे, क्या बात, लेट नहीं आना है, जल्दी आना है, और शेयर करते रहें साथ साथ। अच्छा इसमें एक और चीज है, क्लैडोट भी मिलता है, एक होता है फिलोक्लैडेट और एक होता है क्लैडोट, ठीक है। तो ये मिलता है आपका एस्पेरेगस, एस्पेरेगस ये प्लांट है ये वाला, ठीक है। तो इसमें जो ये ग्रीन पार्ट है ये है क्लैडोट, ठीक है, और ये आपके स्केली लीव्स, जैसे उसमें स्पाइन है इसमें लीव्स हो जाएंगी, क्लियर हुआ। तो समझ आया कि फिलोक्लैड किसमें मिलेगा, जैसे आपका नागफनी ऑफेंसिया जो आपके प्लांट होते हैं उनमें मिलता है, और रूपांतरित रूप किसका है, स्टेम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपकी स्क्रीन पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन, प्रशांत केंद्र कहाँ स्थित होता है। एक बार जरूर आप आंसर करेंगे, जितने लाइव हैं सारे के सारे शेयर जरूर करेंगे, आपके डबल नहीं हो रहे, आप एक दो में ही घूम रहे हैं, ठीक है। लाइव किस किस ने कर दिया जरा बताना, लाइव भी कर रहे हैं आप लोग, बताएंगे और आंसर भी बताएंगे भाई साथ साथ। क्यूसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन, जो प्रशांत केंद्र होता है वो पौधे के किस भाग में प्राप्त पाया जाता है, रूट एपेक्स में, सूट एपेक्स, लीफ एपेक्स या ऑल ऑफ दी, सभी में मिलता है, बताएंगे एक बार सभी, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा क्वेश्चन आज का क्या है, लेबल है ना, इसलिए आप लोगों के आंसर जल्दी से नहीं आ रहे। तो ये होता है बच्चे आपका रूट एपेक्स का, ठीक है, यानी कि जो क्यूसेंट सेंटर होता है, फिफ्थ का बी आ रहा है, बी नहीं होगा बच्चे, ए इज द राइट आंसर, रूट एपेक्स, ठीक है।
जहां पर ये क्या होता है? हाँ आंसर करें ए, वेरी गुड, हरि प्रसाद भारद्वाज जी का सही आया है, ए इज द राइट आंसर। जिनका भी गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखेंगे कि क्यूसेंट सेंटर आपका कहाँ पर मिलता है, रूट एपेक्स में मिलता है, ठीक है ना, मूल सीड्स में, यानी कि जो आपका रूट कैप होती है सबसे नीचे, उसके बाद जस्ट बाद आप देखेंगे डायग्राम में, देखें कि क्यूसेंट सेंटर ये है आपका, क्यूसेंट सेंटर का डायग्राम, ये आपका पूरा रूट का टीएस है, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरीके की आपको संरचना देखने को मिलती है। आप देखेंगे बच्चे इसमें इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कहां पर क्यूसेंट सेंटर है, देखें जरा, देखो ये है आपका रूट कैप, ठीक है, रूट कैप के बाद आप देख रहे हैं क्यूसेंट सेंटर, यानी कि इसको छोड़ो प्रोटोडर्म, और ये तो आपका कैलिप्ट्रॉन, ये वाली स्ट्रक्चर है, और ये आपका है आपका प्रोटोडर्म, ठीक है, जो डर्म इसकी लेयर है, लेकिन जो ये ग्रीन इस पार्ट आपको दिख रहा है, इट इज द क्यूसेंट सेंटर। तो आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा, जो लाइव आपके ऑनलाइन देख रहे हैं, एक बार डायग्राम को जल्दी से फोकस करें, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो क्यूसेंट सेंटर जो होता है वो रूट एपेक्स में मिलता है, ना कि सूट एपेक्स या अदर कहीं, ठीक है ना। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप आंसर करेंगे, ठीक है, और लाइक शेयर जरूर करें भाई साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ, जो वृद्धि वलय बनती हैं किसकी सक्रियता के कारण, यानी कि आपने देखा है जो ग्रोथ रिंग बनती हैं, जिसके द्वारा आप क्या देखते हैं, किसी प्लांट की आप एज का भी डिटर्मिनेशन करते हैं, जब आपके उसमें एनुअल रिंग्स बनती हैं, ठीक है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, सभी को पता है करते हैं ना, एनुअल रिंग्स क्या देखकर ही आपका क्या करते हैं, किसी पादप की, किसी प्लांट की आपका एज को डिटरमाइन किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि जो ग्रोथ रिंग्स होती है बच्चे, वो प्लांट में किसकी एक्टिविटी, यानी कि कौन सबसे ज्यादा सक्रिय होगा, सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, जिसकी वजह से आपका वृद्धि वलय बनेंगे। तो आंसर जरूर करें भाई। मैम क्लास फ्राइडे को ही होगी अब क्या? नहीं, क्लास आपका अल्टरनेट होगी, एक दिन आपका यूट्यूब पर क्लास हो रही है और एक दिन आपका एप्लीकेशन पर मेरी क्लास हो रही है, ठीक है ना, तो इसलिए अल्टरनेट चल रहा है। अगर एप्लीकेशन में जो पेपर हम लोगों ने दिए हैं बच्चे, उनका सोल्यूशन एक दिन, सोल्यूशन एक दिन पेपर होता है, जैसे आज वहां पर पेपर डाला है तो कल उसका सोल्यूशन होगा, यानी कि कल ये क्लास नहीं होगी, फिर परसों ऐसे ऐसे करके ऑल्टरनेट में होगी, ठीक है ना। तो एक बार आप नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा कि आज क्लास है या नहीं है, ठीक है, अगर आज हो गई है तो कल नहीं फिर परसों होगी, ऐसे करके होगा, ठीक है। 6 का आपका आंसर आ रहा है बी, सभी आंसर करेंगे, वेरी गुड आंसर, काफी तेजी से भागते हुए जा रहे हैं। ग्रोथ रिंग किसकी एक्टिविटी, यानी इंटर और इंट्रा, देखो दो चीजें हैं, आपको इसमें ध्यान से ऑप्शन को पढ़ने, एग्जाम में भी और यहां पर भी, कि ये है इंटर और ये है इंट्रा, ठीक है। तो इंट्रा स्टीलर कैम्बियम या फिर इंटर स्टीलर कैम्बियम, एक बार मैं मौका दे रही हूं, जिनका थोड़ा गलत हो गया है तो ध्यान से पढ़ेंगे तब आंसर करेंगे। गरिमा शर्मा, इंट्रा स्टीलर कैम्बियम ए। अच्छा गरिमा, बहुत लेट आए हैं ना आप, देखो जो बच्चे डेली रहते हैं उनको मुझे पता रहता है कि आप लोग टाइम से आ जाते हैं, ठीक है। तो गरिमा आज कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, आज आपके पास सारे के सारे नए हैं, और आज क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए क्वेश्चन को बीच में, सेशन को बीच में स्किप ना करें, और आप ध्यान से इस चीजों को पढ़ें और नोट डाउन भी करें जो आपको टफ लगता है, ठीक है। तो वेरी गुड भाई, जो आपने इंट्रा स्टीलर वाले इज द राइट, ठीक है ना, जो इंट्रा स्टीलर आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, इंट्रा स्टीलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण ही आपका ग्रोथ रिंग का फॉर्मेशन होता है, और उसी वजह से आपका क्या होता है, धीरे धीरे आपकी रिंग्स बन रही होती हैं, जाके बाद में आपका क्या करते हैं, उसी बेस पर ही आपका एज का डिटर्मिनेशन किया जाता है। हाँ गरिमा सॉरी क्यों बोल रहे हैं बच्चे, सॉरी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन टाइमली अगर आप आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि थोड़ा सा अगर किसी को पता है कि व्हाट इज द इंट्रा स्टीलर कैम्बियम, बताएंगे कोई किसी को पता है? हाँ अभी बताते हैं हेमचंद्रा जी कि क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा अभी क्लास को पूरा कर लेते हैं, बताएंगे इंट्रा स्टीलर कैम्बियम का किसे कहते हैं। आई एम राइट, अच्छा ठीक है भाई जी, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपका आंसर सही हुआ है। देखो जो आपका इंट्रास्टीलर कैम्बियम होता है बच्चे, आपने सभी ने देखा होगा, स्टील तो सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, जो आप बॉटनी में पढ़ते हैं, जब आपका आप लोग स्टडी करते हैं वैस्कुलर बंडल की, स्टील के अंदर बच्चे क्या होता है, आपका वैस्कुलर बंडल होते हैं, संवहन ऊतक जिन्हें बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल,
ठीक है, इसको बोला जाता है संवहन उत्तक, हिंदी वाले ध्यान रखेंगे, संवहन उत्तक, ठीक है। इसके मध्य भाग में जब आपका फॉर्मेशन होता है बच्चे, देखो सभी को पता है कि कैम्बियम की क्या होती है, ग्रोथ होती है, तो उसी को आपका इंट्रा स्टीलर कैम्बियम बोला जाता है, यानी कि स्टील के, देखो इंट्रा मतलब उसी के अंदर, यानी कि स्टील है, स्टील में आपका क्या प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में भी दो आते हैं बच्चे, आपने पढ़ा है जाइलम और फ्लोएम, इन्हीं को बोला जाता है वैस्कुलर बंडल, पढ़ा है ना जाइलम फ्लोएम, मतलब 11th 12th में पढ़ा होगा। तो जो जाइलम और फ्लोएम होता है बच्चे, उनको कंबाइंडली वैस्कुलर बंडल बोला जाता है, और स्टील वहीं उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके मध्य में, यानी कि इसके बीच में, वैस्कुलर बंडल के मध्य में क्या होता है, कैम्बियम होता है। क्या होता है, कैम्बियम होता है, ठीक है, कैम्बियम होता है, और इसी की एक्टिविटी यानी इसी की वजह से क्या होता है, आपका ग्रोथ रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो याद है आपको क्या रखना है, कि इंट्रास्टीलर कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण ही ग्रोथ रिंग बनती है। क्लियर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन, असामान्य द्वितीयक वृद्धि किसमें देखने को मिलती है। ऑप्शन है व्हीट, ड्रेसिना, जिंगर, जिंजर या फिर आपका मेज, यानी कि आपका गेहूं में, ड्रेसिना में, अदरक में, मक्का में। आंसर करेंगे सारे बच्चे सेकेंडरी ग्रोथ में, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ कॉर्क, ठीक है, वेरी गुड आंसर। आप कौन सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करेंगे जल्दी से। गरिमा ने लाइक शेयर कर दिया है, एक एक बच्चे का लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और शेयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप सेशन के अंदर एंटर करेंगे यहाँ पर, वैसे ही आप लाइक और शेयर तो जरूर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, वेरी गुड, आंसर करें 7th का, किसका आया है, वायु का सी, सी यानी कि अदरक पसंद है वायु को, ठीक है ना। शीतल राणा बी, ड्रेसिना, वेरी गुड, और आपका हरि प्रसाद, वेरी गुड। ठीक है माही सैनी जी, बिल्कुल बिल्कुल वो भी चलेगा आगे, आप धैर्य बनाए रखें, बिल्कुल वो भी होगा। 7th का बी आंसर आ रहा, वेरी गुड भाई, बहुत बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। ड्रेसिना जो आपका प्लांट होता है बच्चे, ड्रेसिना में आपका सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है ना। आपको पता है सेकेंडरी ग्रोथ में से क्या होती है, आपकी विड्थ में यानी कि चौड़ाई में वृद्धि होती है, जबकि आपने प्राइमरी जो आपकी प्राइमरी जो आपका क्या होती है, ग्रोथ होती है, दो टाइप की ग्रोथ होती है। देखो प्लांट में थोड़ा ये ज्यादा डिटेल हो जाता है, यहाँ पे टाइम इतना नहीं मिलता। प्लांट में दो टाइप की ग्रोथ होती है बच्चे, एक होती है आपकी प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ यानी कि जिसे बोलते हैं प्राथमिक वृद्धि, दूसरी होती है आपका सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं द्वितीयक वृद्धि। जब बच्चे आपका ये आपका इनिशियल स्टेज होती है प्लांट में, इनिशियल स्टेज को आपका प्राइमरी ग्रोथ बोला जाता है, और ये आपका लेट स्टेज ऑफ प्लांट में, ठीक है ना, यानी कि लेट स्टेज कौन सी है, सेकेंडरी ग्रोथ। इससे क्या होता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, जबकि इससे पौधे की चौड़ाई में वृद्धि होती है, ठीक है ना। ये एपिकल मेरिस्टमेटिक के लिए होता है, ये आपका लेटरल मेरिस्टमेटिक के लिए होता है। ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जो असामान्य वृद्धि होती है सेकेंडरी, वो आपका ड्रेसिना में होती है। अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि मैम ड्रेसिना तो बोल रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है ड्रेसिना होता क्या है, ठीक है। देखा आप सबने होता है, लेकिन आपको नाम नहीं पता है कि हमारे घर में जो गमले में फूल सज रहा है वो किसका प्लांट है। तो ये होता है बच्चे ड्रेसिना। देखो आपने देखा होगा इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती है, ठीक है, आपके घरों में ही इसकी बहुत सारी स्पीसीज होंगी। आपने ये वाला लगा रखा होगा घर में, या ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये तो मेरे घर में भी लगा है, और ये भी मेरे घर में लगा है, ठीक है। आप लोगों के घर में भी इनमें से कौन सा लगा आप देख लें, ठीक है ना। तो ड्रेसिना का प्लांट है, और इसमें ही बच्चे आपका एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्लियर हुआ, याद रखेंगे। इसकी बहुत सारी वेरायटी, देखो इसकी लीव्स में आपका चेंजेस लग रहा है, इसकी लीव्स आपका तो पॉइंटेड टाइप लग रही हैं, इसमें भी चेंजेस है, इसमें देखो, है ना। आपके ऑफिस वगैरह में भी बहुत ज्यादा क्या होता है, पॉट में लगाए जाते हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये क्या होते हैं, शेडो वाले हैं ना, छाया लविंग प्लांट होते हैं। जैसे आपका जो कल की क्लास में भी हुआ था, साइजोफाइट्स बोला जाता है, जो आपका क्या होते हैं, छाया में उगने वाले पौधे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट, निम्नलिखित में से किसमें आपका गुदा यानी कि एनस एब्सेंट होता है। फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जूलॉजी का क्वेश्चन है, आंसर करेंगे जल्दी से। अच्छा 5th वाला लगा है मेरे घर में, ठीक है अंजलि, वेरी गुड, सबने कोई ना कोई लगाया होगा, ठीक है। तो अब आंसर करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, कि जो एनस होता है वो किसमें एब्सेंट होता है, गुदा नहीं होता है जिसमें, बताएंगे, ठीक है। जल्दी से आंसर करें जिसको पता है, जल्दी से थोड़ा स्पीड बढ़ाएं भाई,
देखो जो फ्लैट वर्म होते हैं, चपटे कृमि होते हैं, उनमें आपका बच्चे एनस एब्सेंट होता है, फ्लैट वर्म। ठीक है, किसको बोला जाता है फ्लैट वर्म? जो आपका प्लेटी हेलमेंथीस के जो सदस्य होते हैं, प्लेटी हेलमेंथीस के मेंबर, ठीक है, इनको ही क्या बोला जाता है आपका फ्लैट वर्म बोला जाता है। जनरली इनको फ्लैट वर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, फ्लैट होती है, ठीक है ना। एट का बी आ रहा है, बी क्या है, राउंड वर्म। राउंड वर्म नहीं होगा बच्चे, फ्लैट वर्म होगा, क्योंकि इनमें क्या होता है, देखो एनस ना होने का रीजन क्या है, इनमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वो आपका क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है या फिर एबसेंट होता है, यानी कि जो आपका खाने वाला जो पाचन की जो नली होती है वो ही एबसेंट होती है, एबसेंट होती है या फिर आपका वेल डेवलप्ड नहीं होती है। एनएस इज एबसेंट, तो उस फाइलम में क्या होगा, एनएस एबसेंट हो जाएगा। याद रखेंगे फ्लैट वॉर्म में अगर आपका फाइलम पूछेगा तो फाइलम आपका प्लेटी हेलमेंथीस फाइलम है, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे, आपका नेक्स्ट है आपका नाइन्थ, द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेशियोला हिपेटिका, जिसका कॉमन नेम है लीवर फ्लूक इज, यानी कि जो फेशियोला हिपेटिका है उसके जीवन काल में इंटरमीडिएट मध्यस्थ होस्ट कौन सा है इनमें से, सीप है, स्नेल है, मैन है या बर्ड है। देखो ये भी आपका फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपका फेशियोला हिपेटिका के लाइफ साइकिल पढ़ाई जाती है। वहां पर बच्चे आप ध्यान रखना कि जो फेशियोला हिपेटिका है, लीवर फ्लूक बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है लीवर जैसे, तो इसलिए इसका नाम लीवर फ्लू की है, ठीक है। इसमें आपका बच्चे, इसके दो होस्ट होते हैं, कितने होस्ट होते हैं, दो होस्ट, होस्ट मतलब पोषद, हिंदी में बोला जाता है पोषद। एक होस्ट होता है बच्चे इसका, ध्यान रखना, देखो मैं डिटेल इसलिए पढ़ाती हूँ कि जो बच्चे एप्लीकेशन को फाइनेंशियली नहीं खरीद पाते हैं तो उनका इतना भला हो जाए कि यहाँ पर अगर वो एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक के साथ चार क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, ये मेरी कोशिश रहती है। बाकी आपको मेरी मेहनत, मेरा सेक्रीफाइस कितना लगता है, क्या लगता है वो आप जाने, लेकिन जो मेरा काम है मैं वो कर रही हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो दो आपके होस्ट होते हैं बच्चे, एक होता है सीप जिसे आप क्या बोलते हैं, भेड़, ठीक है, दूसरा होता है आपका स्नेल, स्नेल, ठीक है, जिसे आप घोंगा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे, क्योंकि देखो ऑप्शन में दोनों ही है, ठीक है, लेकिन आपको बताना इंटरमीडिएट होस्ट पूछ रहा है, क्या नाम लिखा है इसने यहाँ पे, इंटरमीडिएट होस्ट, मध्यस्थ कौन करता है, ठीक है। तो आंसर आ रहा है गरिमा, वेरी गुड, नाइन्थ का ए, सी पा रहा है, नहीं, सेकेंडरी स्नेल है, हाँ वेरी गुड भाई, हाँ वही बोला है मैंने, सेकेंडरी स्नेल है, यही तो बोला है गरिमा। प्राइमरी होस्ट आपका सीप एंड सेकेंडरी होस्ट, यानी कि इसी को आपका इंटरमीडिएट होस्ट बोलेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट याद रखेंगे, ये इंटरमीडिएट होस्ट है, क्योंकि क्या होता है बच्चे, इसमें जो होते हैं इसकी एडल्ट, इसमें इसकी एडल्ट स्टेज होती है, किसकी, फेस्टियोला हिपेटिका की, वयस्क अवस्था, ठीक है, यहाँ पर इसकी वयस्क अवस्था चलती है और यहाँ पर इसकी आपका लार्वल स्टेज होती है, लार्वा वाली अवस्था, ठीक है। याद रखेंगे दो आपके होस्ट होते हैं, सीप एक भेड़ होता है और आपका एक स्नेल होता है। जो आपका सीप होता है यानी कि जो भेड़ होता है उसमें इसकी एडल्ट स्टेज कंप्लीट होती है और यहाँ पर आपका इसकी लार्वल स्टेज पूरी होती है, किसकी, फेशियोला हिपेटिका। कॉमन नेम अगर पूछाएगा तो लीवर फ्लूक इसी का ही नाम है, ठीक है, क्लियर हुआ। यू आर द बेस्ट मैम और बहुत अच्छा पढ़ाते, शीतल आना, बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी आपका, ठीक है, आपको समझ आए ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री, यानी कि आपको बताना है बच्चे वो कौन सा फाइलम है जहां से आपका बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। कहने का मतलब कि इससे पहले वाले फाइलम में बायलेटरल सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगी, इसके बाद जो स्टार्ट होंगे फाइलम उन सब में आपका बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। बट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट फाइलम, यानी कि वो पहला फाइलम बताना है जहां से आपका ये बायलेटरल सिमेट्री होना स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, तो बताएंगे आप आंसर, बताएंगे प्लेटी हेलमेंथीस आंसर आ रहा है किसमें, अच्छा इसका ही, क्वेश्चन नंबर भी साथ साथ डालेंगे, वायु का 10 का ए, वेरी गुड, आंसर सभी करेंगे, आंसर सब करेंगे। 8th का डी, 8th तो हो गया सरिता जी, थोड़ा आगे चलें जल्दी से, 10 का डी, डी आपका प्लेटी हेलमेंथीस है, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल सही है, जिन्होंने डी आंसर किया है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर, प्लेटी हेलमेंथीस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है बच्चे कि आपका जो आपने क्वेश्चन में पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि बायलेटरल सिमेट्री जो होती है वो इसके बाद, प्लेटी हेलमेंथीस के बाद फाइलम में सब में देखने को मिलेगी, जबकि जो आपका इससे पहले वाले जो फाइलम होंगे, यानी कि आपका पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा,
ठीक है, ये शुरुआती फाइलम है, उनमें बायलेटरल सिमेट्री नहीं मिलेगी। बायलेटरल सिमेट्री थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि सबमिति जब आप देख खींचते हैं, तो दो इक्वल पार्ट में जब आपका टूटते हैं यानी कि कटते हैं, अगर आप कट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, क्लियर हुआ इसका मतलब है? ये द्विपार्श्व सममिति, दो आपके समान भागों में बटना, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पायर थ्रू बुक लंग्स, यानी कि इनमें से कौन सा जंतु पुस्तक फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। ये क्वेश्चन शायद आपके पास फॉरेस्ट एसआई का भी क्वेश्चन है कि नहीं, ये जिन्होंने दिया था, आई थिंक ये फॉरेस्ट एसआई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताएंगे कि बुक लंग्स के थ्रू कौन आपका रेस्पिरेशन करता है ना, बताएंगे जरूर। 10th का हो गया, जूलॉजी का क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल, जूलॉजी का क्वेश्चन था। अब आप बताएंगे 11th क्वेश्चन आंसर करेंगे। गरिमा, अंजलि, आशीष, मनीषा, गुंजन, संदीप, पंत, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जो नाम नहीं लिया है ऋषु, सब आंसर करेंगे, बताएंगे। क्वेश्चन है आपके पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पायर थ्रू बुक लंग्स। किंग क्रैब आंसर आ रहा है, किंग क्रैब में नहीं होगा बच्चे, बी बी क्या है, स्कॉर्पियन। वेरी गुड भाई, जिन भी बच्चों ने बी किया है, बी इज द राइट आंसर, यानी कि आपका जो स्कॉर्पियन होता है, जो बिच्छू होता है, उसमें आपका बुक लंग्स के थ्रू आपका रेस्पिरेशन होता है। जो किंग क्रैब बोल रहे हैं बच्चे, उनमें आपका गिल के थ्रू आपका रेस्पिरेशन होता है, याद रखना। जो ए कर रहे थे, ए में आका किंग क्रैब में आपका गिल के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, जबकि जो आपका स्कॉर्पियन होता है, जो बिच्छू होता है, उसमें आपका बुक लंग्स के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। ये भी रिसेंटली एग्जाम था, उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। तो ध्यान रखना, भूलना नहीं है, छोटी छोटी बातें याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ दीज केमिकल इज द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन स्पाइडर। जो मकड़ी होती है ना, मकड़ी जो आपने घरों में भी देखी होगी, जब जाला सब बुनती है स्पाइडर्स, उनका जो उत्सर्जी प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है, बताएंगे सारे के सारे बच्चे। गरिमा, आर्थ्रोपोडा, हां जी आर्थ्रोपोडा के, सारे ही आर्थ्रोपोडा के थे बच्चे वो। अब आपके पास आंसर, हाँ, क्योंकि वो सारे जितने थे वो फाइलम ऑर्थोपोडा के ही मेंबर हैं, और आपका जो आपकी फैमिली, वो सॉरी जो आपकी क्लास होती है बच्चे, क्लास आपकी वो हो जाती है एरेक्निडा क्लास, ठीक है। ठीक है गरिमा, जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, एरेक्निडा जितने भी आपका जो स्कॉर्पियन होते हैं, किंग क्रैब होते हैं, वो एरेक्निडा क्लास के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। 12th का ए आंसर आ रहा है, ए क्या है, ग्वेनिन। वेरी गुड भाई, काफी बच्चों ने आंसर किया है, सभी को पता है कि एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट आपका ग्वेनिन होता है, ठीक है। किसका, आपका स्पाइडर का। ये आपका बच्चे क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है, वाटर इनसोल्यूबल यानी कि अघुलनशील, जल में क्या होगा, ये अघुलनशील होगा। ग्वेनिन क्या होता है, जल में नहीं घुलता है, ठीक है। और स्पाइडर का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, आपका ग्वेनिन होता है, याद रखेंगे, ठीक है, साथ साथ लिखते भी जाएंगे कि आपका वाटर इनसोल्यूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्कर्स ऑफ हनीबी सोसाइटी आर, मधुमक्खी समाज में श्रमिक होते हैं, कैसे होते हैं, फीमेल्स विदाउट गोनेट्स, मेल्स विदाउट गोनेट्स, स्टेराइल फीमेल्स या स्टेराइल मेल, हिंदी में भी आपके सामने है, जनदहीन मादा या जनदहीन नर, या बंध्य मादा या बंध्य नर, बताएंगे आंसर करेंगे सारे। वेरी गुड, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो ग्वेनिन के बाद वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चा आपका कि मधुमक्खी जो समाज में आपका श्रमिक जो वर्कर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, बताएं उनका मतलब वो नेचर कैसे होता है। स्किन एलर्जी, स्किन एलर्जी किसका बता रहे हैं, अच्छा माही, डी डी किसका बता रहे हैं, आंसर क्वेश्चन नंबर भी डालेंगे, 13 का बता रहे हैं मेल शायद, है ना। हरी प्रसाद, 13 का सी 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 आ रहा है और डी आ रहा है, अच्छा स्टेराइल में वो है, फीमेल होगी या मेल होगी, ठीक है, फीमेल वाला सही है भाई, जो स्टेराइल फीमेल की तरफ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि स्टेराइल फीमेल क्या होती है, वर्कर्स होती हैं, ठीक है। आपको इतना तो पता होगा बच्चे कि जो आपका हनी बी होती है, जो आपकी मधुमक्खी होती है, इसकी कॉलोनी में, इसकी कॉलोनी में तीन टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी एक कॉलोनी होती है, वहां पर भी बहुत टाइप के क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, होते हैं कि नहीं होते। एक होता है आपका ड्रोन, ठीक है, जिसको इसी तरीके से हिंदी में भी लिखा जाता है ड्रोन। एक होता है आपका क्वीन यानी कि रानी, ठीक है, और एक होती है आपकी वर्कर्स, जिनको आप श्रमिक बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो
आपको पता है कि जो ड्रोन होता है वो, ओके मैम क्लियर, हाँ जी आप बताएंगे कि जो तीन टाइप के आपका हनी बी में जो आपका मेंबर्स होते हैं, ड्रोन होता है, क्वीन होता है, वर्कर्स होता है। आपके पास क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है कि वर्कर्स क्या हैं, तो आपके पास आंसर आ गया स्टराइल फीमेल, यानी कि क्या होंगी, या बंध्या आपका मादा होंगी, स्टराइल फीमेल होंगी। जो ड्रोन होता है बच्चे वो आपका फर्टाइल मेल होगा, फर्टाइल मेल, ठीक है। देखो थोड़ा सा ऐसे रटने की कोशिश करना कि जो ड्रोन होगा ना, जो ड्रोन है, आदमी जैसा नाम लग रहा है ना थोड़ा बड़ा बड़ा सा, तो वो मेल का होगा। जो क्वीन है वो तो फीमेल होगी, लेकिन कैसी फीमेल होगी आपका, वो आपका फर्टाइली फीमेल होगी, फर्टाइल फीमेल होंगी, ठीक है। और ये आपका वर्कर्स आपका स्टराइल फीमेल होंगी। अब फर्टाइल और स्टराइल मैम आप बार बार बोल रहे हैं लेकिन हमें नहीं समझ आ रहा क्या है। देखो जो फर्टाइल का मतलब होता है बच्चे कि वो रिप्रोडक्शन करने में क्या है, कैपेबल है, यानी कि वो जनन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी फीमेल भी कर सकती है, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, यानी कि रिप्रोडक्शन आपका उनमें नहीं होगा, ये स्टराइल होंगी। जैसे आपका बोलते हैं ना, जैसे कोई फीमेल भी है जो आपका बच्चे नहीं जो कर पैदा कर सकते, उनको भी आपका स्टराइल फीमेल बोला जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, उनमें आपका रिप्रोडक्शन हो सकता है लेकिन वो क्या होते हैं, मदर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैरासिटिक कैस्ट्रेशन अकर इन, यानी कि परजीवी बंध्याकरण पाया जाता है किसमें, फेशियोला में, नेरिस में, सेक्यूलाइना में, या फिर आपका पेलेमोन में। आंसर करेंगे जल्दी से, वेरी गुड, मेल आपका ड्रोन होगा, हाँ जी। लेकिन आपको ध्यान तो ये रखना है बच्चे कि वो स्टेराइल है या फर्टाइल है। कौन कह रहा है, दीप्ति भट्ट, ठीक है ना। वो तो बिल्कुल सही बात है कि ड्रोन जो है वो आपका मेल है, क्वीन आपकी फीमेल है, लेकिन कैसी फीमेल, कैसी मेल, यानी कि स्टेराइल फीमेल है या फर्टाइल फीमेल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी गुड। हाँ अब आप गरिमा आगे भी आंसर करेंगे बच्चे, अगर क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, 13 का बी, आइसक्रीम भी लेकर आ रहे, क्या बात। 14 का गुंजन ललित का आंसर आया है बी, और सी भी आ गया आंसर, यानी कि सी किसका है, हरि प्रसाद भारद्वाज जी का, ठीक है, वेरी गुड। जिन्होंने सी किया है, सी बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। सेक्यूलाइना जो होता है ये आपका पैरासिटिक कैस्ट्रेशन इसमें पाया जाता है। अब देखें समझेंगे ये थोड़ा सा कि ये पैरासिटिक कैस्ट्रेशन कैसा है, क्या होता है, ठीक है। मैम आप क्वेश्चन लेकर आ गए, हमने आंसर भी पढ़ लिया, रट लिया हमने कि पैरासिटिक कैस्ट्रेशन आकर्षण सेक्यूलाइना, लेकिन ये होता क्या है ये पता ही नहीं है। कई बार क्या होता है, हम सब कुछ पता होता है, रटा होता, लेकिन हम क्या होता है, बेसिक्स पर काम नहीं कर रहे होते, कंसेप्ट पर काम नहीं कर रहे होते। ये क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, लेकिन कुछ और आएगा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इसका मतलब नहीं पता, समझेंगे। जो सेक्यूलाइना होता है बच्चे, जो सेक्यूलाइना होता है ये क्या करता है, क्रैब का ही पार्ट है। सेक्यूलाइना इसका पूरा नाम जो है वो आपका सेक्यूलाइना क्रैब है ये, ठीक है, ये क्या है, क्रैब है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपने होस्ट के, जो आपका इसका पोषद होता है, होस्ट यानी कि ध्यान रखेंगे, पोषद के रिप्रोडक्टिव पार्ट को, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करेगा, जो आपका इसमें रिप्रोडक्टिव जो आपका पार्ट होगा, जनन अंगों को, हिंदी वाले लिखेंगे जनन अंगों को अल्प विकसित करता है, यानी कि वेल डेवलप्ड नहीं होने, मतलब डेवलप नहीं होने देता है, ठीक है ना। यानी कि जो उसके होस्ट होंगे, जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा कि फेशियोला के दो होस्ट हैं, एक भेड़ एक आपका स्नेल, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये अपने होस्ट के आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जो जनन अंग होते हैं, उनको आपका डेवलप नहीं होने देता है, या फिर आपका क्या करता है, एबसेंट कर देता है। तो उस प्रोसेस को, उस क्रिया को आपका पैरासिटिक कैस्ट्रेशन बोलते हैं। जब क्या होता है, ये अपने होस्ट के जनन अंगों को क्या कर देता है, मतलब विकसित होने नहीं देता, डेवलपमेंट होने ही नहीं देता है, ठीक है, या फिर उसमें क्या करता है, एबसेंट कर देता है, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट ही नहीं बनेंगे, तो वो आगे अपनी जनरेशन को नहीं क्रिएट कर पाएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज पैरासिटिक कैस्ट्रेशन, ठीक है, क्लियर हुआ। परजीवी बंध्यकरण, हाँ जी बिल्कुल हरि प्रसाद, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे, वेल डेवलप्ड नहीं हो पाएंगे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, जो आपका पीत ज्वर होता है। देखो इस कंडीशन से तो आजकल सभी गुजर रहे हैं, आप सभी को पता है डेंगू ने कितना अभी यहाँ पर अपना रुतवा जमा दिया। जैसे आपका एक टाइम पे कोरोना का हुआ था, वैसे ही आपका क्या, इस टाइम पर आपका डेंगू का बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन उस पर भी लाया जाए कि येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एडीज, या हाउस फ्लाइज, किससे फैलता है आपका येलो फीवर। हाँ गरिमा, वेरी गुड बच्चे, सेक्यूलाइना, बहुत अच्छा,
बहुत बढ़िया विशाल, सी आंसर आ रहा है, फीमेल एडीज। ठीक है, और भी बच्चे करें, वेरी गुड भाई, सी सभी का आंसर आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है आप सभी को भी ये अच्छे से पता है कि जो आपका येलो फीवर होता है, जो डेंगू होता है, वो आपका, देखो ये सारे ही मॉस्किटो हैं, क्या है, सारे ही आपका मच्छर है, और इतने खतरनाक मच्छर हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ बीमारी पैदा करने वाला है। जैसे आपने देखा कि फीमेल एडीज जो है, वैसे आप याद रखना बच्चे, एक जनरली एक सी बात है कि जो भी आपका रोग होते हैं वो फीमेल ही कॉज करती है, ठीक है, यानी कि जो मादा मच्छर होता है उसी के द्वारा ही आपका, क्योंकि वो कैरियर होती है, ठीक है ना, वही आपका क्या करती है, रोग को पैदा करती है और रोगों को फैलाने का काम भी करती है। लेकिन अगर आपके पास येलो फीवर पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा फीमेल एडीज, डेंगू पूछा जाता है यही है। लेकिन अगर आपसे क्यूलेक्स का पूछा जाए तो ये कौन सी बीमारी कॉज करता है बताएंगे, फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर है वो कौन सी बीमारी कॉज करता है बताएंगे, बताएं, साथ साथ बताते भी रहे, कौन बताएगा, हाँ एडीज इजिप्टी जो है, बिल्कुल सही है नीलम नीलू, आप बताएंगे बच्चे कि जो क्यूलेक्स होता है वो आपने सुना होगा फाइलेरियसिस आपकी बीमारी होती है, यानी कि फाइलेरिया जो कॉज करता है वो आपका फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा होता है, याद रखेंगे सबको लिखेंगे साथ साथ। एनाफिलीज जो होता है वो आपका मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है, यानी कि जो मलेरिया होता है वो फीमेल एनाफिलीज कॉज करता है, जो फीमेल क्यूलेक्स होता है वो आपका फाइलेरिया जो रोग होता है उसको कॉज करता है, जो येलो फीवर होता है बच्चे वो आपका फीमेल आपका एडीज जो मच्छर होता है उसके द्वारा होता है। यहीं पर याद लिख देंगे कि डेंगू भी इसी से होता है, ठीक है, डेंगू भी इसी से होता है, और आपका जो आपने देखा होगा कि ये क्या करता है, जनरली आपका ब्लड में आपका क्या कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है, किसको, जो आपके कॉज होते हैं, कारक होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चिकनगुनिया आपने सुना होगा, चिकनगुनिया भी इसी से होता है, आजकल ये भी हो रहा है बहुत ज्यादा, यानी कि कुछ सिम्टम्स डेंगू के हैं कुछ आपका चिकनगुनिया के हैं, तो कॉज करने वाला क्योंकि एक ही टाइप का मच्छर है तो सिम्टम्स भी मेनली क्या होंगे, एक ही जैसे ही होंगे, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16 कि कॉमनेस्ट क्रस्टेशियंस लार्वा इज, यानी कि साधारण क्रस्टेशिया का जो लार्वा होता है कौन सा है, एलाइमा, जुइया लार्वा, प्रोटोजुइया या नोपिलियस लार्वा, आपको सिर्फ ये बताना है मुझे कि जो क्लास क्रस्टेशिया है ये आपकी क्या है, क्लास है कौन से फाइलम की, बताएंगे जिन्होंने पढ़ा है फाइलम अच्छे से, ये क्लास है, ठीक है, कौन से फाइलम की क्लास है बताएंगे जल्दी से, आर्थ्रोपोडा, वेरी गुड, किसी का आंसर आया है, नहीं आया है, आर्थ्रोपोडा फाइलम जो होता है उसकी क्लास है, क्लास क्रस्टेशियन, तो उसमें आपका जो लार्वा होता है कॉमन लार्वा जो सब में मिलता है, वैसे सबके अलग अलग लार्वा होते हैं, उसके अलग अलग सदस्य होते हैं, लेकिन कॉमन जो लार्वा है वो कौन सा है बताएंगे सारे, 16 का ए आ रहा है अलाइमा, नहीं, ए नहीं होगा, बताएंगे गरिमा नोपलियस, वेरी गुड भाई, गरिमा ने सबसे पहले आंसर दिया है, वेरी गुड, 16 डी इज द राइट आंसर, ठीक है, अब अंजलि जी का भी आया है, वेरी गुड, तो डी आपका नोपिलियस जो होता है बच्चे वो आपका एक कॉमनेस्ट लार्वा है आपका क्लास क्रस्टेशियन एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा का, ठीक है, क्लियर हुआ। जुइया भी होता है, जुइया भी होता है और प्रोटोजुइया भी होता है, ठीक है, अगर जुइया की बात करें तो क्रैब, क्रैब का लार्वा होता है जुइया, ठीक है, ठीक है, समझ गए, 16 का डी, ठीक है, और प्रोटोजुइया जो है आपका सी प्रॉन जो होते हैं उनका लार्वा है, ये भी लिख लो साथ साथ, क्या पता यही पूछ लिया जाए, ये भी लिख लें साथ साथ, ठीक है ना, कि जो आपका कॉमन है वो तो नॉपलियस है, जुइया लार्वा पूछेगा तो क्रैब का होगा और प्रोटोजुइया आपका सी प्रॉन का लार्वा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, डक्टस बॉटलिए इज प्रेजेंट इन, जो डक्टस बॉटलिस होता है वो प्रेजेंट होता है किस में, राना, स्कॉलियोडोन, लैपिडोसायरन या फिर आपका सिरेटोडस में, राना मतलब आपका राना टिग्रीना है भाई, ठीक है, जो आपका फ्रॉग होता है उससे मतलब है, राना कभी आप किसी का सरनेम मत बता देना, जो आपका फ्रॉग होता है एम्फीबिया का मेंबर, ठीक है, राना टिग्रीना जिसका साइंटिफिक नेम है थ्री पेयर्स लेग, किसकी बात कर रहे हैं, आर्थ्रोपोडा की या क्रस्टेशन, ठीक है, डक्टस बॉटली प्रेजेंट इन, बताएंगे जो डक्टस बॉटलिस है वो किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है भाई, जिसको नहीं पता, 17 का आंसर क्या आया, सी आ रहा है, वायु का सी आ रहा है, लेपिडोसायरन, जो आपका राना टिग्रीना होता है बच्चे, यानी कि जो फ्रॉग होता है, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में आपका
डक्टस बॉटलिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि एम्फीबिया का करेक्टर है ये, सीधे आपको ये याद रखना है। और एम्फीबिया में आपको पता है कि फ्रॉग आता है, उभयचर जिसको बोलते हैं, उभयचर का एक सदस्य आपका फ्रॉग है, जिसमें आपका इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं कि आपका यहाँ पर थ्री पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स पेयर क्या होता है, अवॉर्टिक आर्क प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, फिफ्थ आपका या एब्सेंट होता है या वेल डेवलप नहीं होता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि डक्टस बॉटलिस प्रेजेंट इन फ्रॉग या एम्फीबिया या फिर राना टिग्रीना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, लार्जेस्ट पॉइजनस इंडियन स्नेक इज, भारत का सबसे बड़ा विषैला सर्प कौन सा है। आपके मैंने सिलेबस जब चेक किया था उसमें आपका स्नेक्स वेनम, स्नेक्स के बारे में था, कौन पॉइजनस कौन नॉन पॉइजनस, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे जरूर, ठीक है ना। एम्फीबियंस वेरी गुड, हरि प्रसाद राना लग रहा है, हाँ जी हाँ जी गरिमा, राना ही है आंसर, ठीक है, बहुत सही आपको लग रहा है। और अपनी तैयारी को जो डेली जो बच्चे आप लोग लाइव रहते हैं, काफी बच्चे हैं, 31 जो आपके डेली रहने वाले बच्चे हैं, ये ऐसे हैं जो देखते ही देखते हैं क्लास, ठीक है ना। और जो नहीं अभी देख पाते हैं, सपोज कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्लास तो देखते हैं बट लाइव नहीं आ पाते, तो अगर आपका और कुछ बहुत अर्जेंट नहीं है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लाइव बैठे अपनी तैयारी को एनालिसिस करें कि कितना आता है ऑन द स्पॉट, यानी कि एग्जाम में तुरंत आप ये समझे हम एग्जाम में बैठे, मेरे कितने 20 में से सही हो रहे हैं या 25 में से सही हो रहे हैं, ठीक है। अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा कि मुझे इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपको तैयारी का पता चल जाएगा, ठीक है। वेरी गुड भाई, आंसर आ गया है किंग कोबरा, किंग कोबरा इज द राइट आंसर, सी बी ऑप्शन, ठीक है। तो आपका जो इंडिया का लार्जेस्ट जो आपका पॉइजनस जो स्नेक है वो आपका किंग कोबरा होता है, बहुत लंबा होता है भाई। एक होता है कोबरा जिसे आपका नाग बोलते हैं, एक होता है किंग कोबरा जिसे शेषनाग बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो कोबरा होता है वो जनरली आपका 2 to 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, लेकिन जो आपका किंग कोबरा होता है वो आपका 5 से 6 मीटर तक के आसपास क्या होता है, लंबाई होती है उसकी, ठीक है ना, तो आपको याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉन पॉइजनस, नॉट पॉइजनस या नॉन पॉइजनस, कि इनमें से कौन सा आपका जो सांप है वो आपका जहरीला नहीं होता है। ऑप्शन है कोबरा, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आपको अभी पता चल गया, पाइथन या क्रेट या वाइपर, वाइपर बताएंगे, ये तो सबको आता लगता है। 19 का बी आंसर आया, किसका है, हरि प्रसाद वेरी गुड, संदीप पंत वेरी गुड, आशीष नारायण फर्स्ट लाइव क्लास, ठीक है बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अगर आपकी आज पहली लाइव क्लास है लेकिन आप डेली क्लास लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे लेकर आई हूँ, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको लगेगा कि यार ये फालतू उठा के ला दिए, जो पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन लेकर आए। बाकी तो देखो आयोग के ऊपर है वो क्या देता है क्या नहीं देता, लेकिन हमारा काम है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं, ठीक है, ठीक है। पाइथन इज द, किसका है पाइथन, मनीषा, अच्छा पाइथन नहीं होगा मैम, मैं लाइव नहीं आ पा रही पाती हूँ, पूरे लेक्चर देखती हूँ, ठीक है सरिता जी, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मौका मिलता है अगर आपको बहुत अर्जेंट नहीं है इस टाइम पे तो आप लाइव जरूर रहेंगे, ठीक है। पाइथन इज द राइट आंसर, वेरी गुड, जिन्होंने भी पाइथन किया है पाइथन बिल्कुल सही है। जो आपका पाइथन को क्या अजगर बोलते हैं हिंदी में, है ना, अजगर बोलते हैं, तो जो अजगर है इसी को, ये क्या है आपका नॉन पॉइजनस है, ठीक है, यानी कि विषैला नहीं होता है। जनरली आपके जो सांप होते हैं वो आपने देखा होगा जो सी में यानी कि समुद्र में या पानी में रहने वाले होते हैं वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, मतलब पॉइजनस होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तभी तो कहते हैं कि जो ऐसे शांत एरिया जहां पर पानी वानी होता है तो एकदम से नहीं जाना चाहिए, वहां पर डर रहता है सांप का, ठीक है। लास्ट आज की सेशन का हमारा क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20, स्नेक्स आर सेंसिटिव टू, जो आपके सांप होते हैं वो आपका किसके प्रति संवेदनशील होते हैं बताएंगे, नॉइज मेड बाय बर्ड्स, अर्थ बॉर्न वाइब्रेशंस या थंडर या एयर बॉर्न वाइब्रेशन, यानी हिंदी में चिड़ियों की ध्वनि से ज्यादा मतलब सेंसिटिव होते हैं, भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन या गर्जन से या फिर हवा के द्वारा उत्पन्न कंपन से बताएंगे सारे, आप डेली ज्वाइन करूंगा, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप डेली ज्वाइन करें आशीष नारायण जी। 20 क्वेश्चन का आंसर बी आया हरि प्रसाद का, बी यानी कि अर्थ बॉर्न वाइब्रेशन, वेरी गुड भाई। तो मुझे पता है इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सभी को पता है, हो सकता है कमेंट करने में देरी हो रही हो लेकिन पता सबको होगा कि भूमि द्वारा उत्पन्न जो कंपन होते हैं वो ही आपका क्या, उसके लिए आपका क्या होते हैं, जो स्नेक्स होते हैं वो आपका सेंसिटिव होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, देखो आप जो हवा द्वारा कंपन होता है या विंड जो चल रही है उसके लिए वो सेंसिटिव नहीं होते हैं, रीजन क्या है, कोई बताएगा रीजन क्या है,
कि जो हम हवा के द्वारा जैसे वाइब्रेशंस होते हैं उसमें आपका क्या होता है, स्नेक्स उसके लिए सेंसिटिव नहीं होते हैं। जो आपका अर्थ बॉर्न जो वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे आपने देखा अभी कुछ दिन पहले आप बता रहे थे कि अर्थक्वेक आया, तो ये चीजें जो आपका भूमि से जो हलचल होती है उसके लिए सबसे पहले सेंसिटिव होते हैं सांप वगैरह, उनको पहले पता चल जाता है। कहते हैं कि पशुओं को भी ऐसा पता चल जाता है ना, लेकिन रीजन क्या है, देखो जो उसके एक्सटर्नल जो आपका ईयर होता है ठीक है ना, वहां पे आपके जो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है हमारे कान में, वो बच्चे आपके एब्सेंट होती हैं ठीक है, यानी कि मिडिल वाला पार्ट भी आपका एब्सेंट होता है। उनका जो है वो इनर वाला पार्ट, देखो एक एक होता है आउटर इनर और जो मिडिल वाला, और एक होता है इनर पार्ट, कान के जो हमारे भी भाग होते हैं ठीक है ना, बाह्यकर्ण, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण, तीन टाइप के होते हैं ठीक है। तो ये दो जो एब्सेंट होंगे, लेकिन जो अंदर वाला जो अंतःकर्ण होता है यानी कि जो इनर वाला पार्ट होता है, वो वहां पर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है आपका अर्थ बॉर्न वाइब्रेशन के लिए ठीक है। तो स्नेक्स जो है आपका सेंसिटिव होते हैं अर्थ बॉर्न वाइब्रेशन के लिए, ध्यान रखेंगे, इसलिए जंगल में आवाज करके चल ठीक है। हाँ वायु बिल्कुल, आप प्रैक्टिकल बहुत है वायु जी, आप प्रैक्टिकल बहुत है, और बहुत ही अच्छा है कि अल्ट्रासाउंड सेंस कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सरिता जी, वेरी गुड। नीलम, गरिमा, बहुत ही बहुत अच्छा बच्चे, आप लोग तैयारी ऐसी करते रहें। देखो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलनी, बिल्कुल मिलनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये ठीक है। आज के सेशन के आपके क्वेश्चन कैसे लगे आप जरूर कमेंट में बताना, प्लस आप लोग जो ये डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप लोगों की डिमांड से ही आपको डेली यूट्यूब पर क्लास फिर से मिलने लगी है। अदरवाइज आपको पता है कि मेरी एप्लीकेशन में क्लास होती थी ठीक है ना, एप्लीकेशन में भी क्लास होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन अभी प्रैक्टिस सेट वहां पर भी सोल्यूशन कराया जा रहा है, एक दिन एप्लीकेशन एक दिन यूट्यूब पर, आप लोगों की ही मदद मतलब आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे हम आ रहे हैं ठीक है ना। ये मेरा पर्सनली था कि सर मुझे यूट्यूब पर फिर से क्लास देनी है इन बच्चों के लिए, जो डेली आप कॉमेंट कर रहे हैं कि मैम डेली क्लास लाएं ठीक है। अभी भी आप लोगों की क्लास होती है बोलते हैं आप, लेकिन उसके लिए आपको ये जो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आप इस पे भी कमेंट करेंगे, प्लस ऑफलाइन कमेंट करेंगे कि हमें ऑनलाइन जो यूट्यूब पर है वो डेली क्लास चाहिए। अदरवाइज आप लोगों को अगर नहीं चाहिए बच्चे तो एक दिन ही क्लास हो पाएगी, वरना डेली क्लास नहीं हो पाएगी ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस जो अभी तक हो रखी उसका रिविजन प्लस नया भी कुछ ऐड होता रहे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, तो आप मुझे उम्मीद है कि आप इस पर मैसेज करेंगे, प्लस इस वीडियो के नीचे जो सेशन चल रहा है इसके नीचे भी ऑफलाइन कमेंट करेंगे सेशन कैसा लगा, ये तो आप लोगों को बताना बनता है, क्योंकि आप जब देख रहे हैं तो आपको फीडबैक तो जरूर देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि आपके फीडबैक से एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है, चाहे वो आप नेगेटिव कॉमेंट भी करें तो भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और आप अच्छा कमेंट करते हैं तो उससे तो पॉजिटिव एनर्जी मुझे लगता है सबको ही मिलती होगी ठीक है ना। तो इसलिए आप बताएंगे जरूर, आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए आप अच्छा क्या बोल रहे हैं। हाँ हरी प्रसाद भारद्वाज जी, आपका शायद पिछला कमेंट भी था, मैं सोच रही थी इस पर आपको मैं रिप्लाई करूं कि एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं बिल्कुल मैं उनको लेकर आने वाली हूँ, एनवायरमेंटल इश्यूज भी आपके लिए, क्योंकि बच्चे देखो अभी हमारे पास मैटर बहुत ज्यादा है सब्जेक्ट को लेकर ठीक है। जो एनवायरमेंटल इश्यू है वो मैं आपके ये समझ लीजिएगा कि अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट में आपके उस टाइप के क्वेश्चन भी लाने शुरू कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है करंट से रिलेटेड एनवायरमेंट इश्यूज भी आए ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैं जरूर लेकर आऊंगी, ये बात मुझे आप बिल्कुल ध्यान है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसलिए मैं लास्ट में लेकर आऊंगी बच्चे, क्योंकि तब हमें ये रहेगा इस चैप्टर से इतने को अभी लेकर आऊंगी ना, तो होता क्या है अगर मैंने प्रोटोजोवा के क्वेश्चन लेकर आए तो हर किसी का आंसर प्रोटोजोवा ही होगा ठीक है। रीजन ये है मेरा चैप्टर वाइज ना लाने का, तो मैं नहीं चाहती कि अभी आपकी तैयारी सिर्फ टाइम पास हो, अभी आपकी तैयारी तैयारी से जैसे हो, लेकिन जो लास्ट में आपका रिवीजन होगा वहां पर मैं वैसे क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करूंगी ठीक है। संडे को क्लास नहीं होगी, जो आपका जो गुंजन ललित का क्वेश्चन भी था, थैंक्स मैम रेगुलर क्लास, लेकिन बच्चे ये मैंने अनाउंस किया है, अगर मुझे क्लास टाइम नहीं मिलता है तो मैं नहीं दे पाऊंगी, इसलिए ही कह रही हूँ कि आप कमेंट करेंगे तो ही क्लास हो पाएगी ठीक है। अदरवाइज मेरी क्लास और जगह भी है तो मैं टाइमिंग नहीं बैठ पाता, आप लोगों के कमेंट यहाँ पर आएंगे तो निश्चित ही मैं सर से बात करूंगी और क्लास फिर से होगी ठीक है। क्लास होगी मैम, कल क्लास होगी, इस ये डिपेंड करता है आप कमेंट क्या करते हैं ठीक है कल का, इसलिए मुझे भी नहीं पता, शेड्यूल ये फिक्स करते हैं। थैंक यू मैम, नाइस सेशन, ऑफलाइन कमेंट जरूर करें, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी, तब तक के लिए आप ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी तैयारी को इसी तरीके से बरकरार रखें ठीक है।